हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, आज हम लोग इसको पूरी तरह से डिस्कशन करने वाले हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप लोग हेडिंग कर सकता है। मैं इससे पहले आप लोगों को जो मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या था कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा, दैट मीन्स अनंत काल तक, वह मोशन में ही रहेगा। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, वो अपना ना ही डायरेक्शन चेंज करेगा और ना ही वेलोसिटी चेंज करेगा। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स यदि कोई बॉडी यदि मोशन में है तो वो अनंत काल तक मोशन में ही रहेगा, और यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहने का कोशिश करता है। ठीक है, यह अपना डायरेक्शन वेलोसिटी तभी चेंज करता है जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यह है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, बात समझ में। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ये कहता था द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, दैट मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लोग कैसे निकाले थे, याद आ रहा है, P2 - P1 / T, ये जो है इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दैट मीन्स मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा कि मान लो कि T1 टाइम में किसी बॉडी का मोमेंटम P1 है, T2 टाइम में किसी बॉडी का मोमेंटम सपोज करो कि P2 है, तो T2 - T1 टाइम में बॉडी का मोमेंटम P2 - P1 से चेंज होगा, यानी कि यूनिट टाइम में बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा, बोलो P2 - P1 / T2 - T1, दैट मींस क्या हो गया, बोलो P2 - P1, और टाइम को टाइम से घटाएंगे तो क्या बचेगा, टाइम ही बचेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि द मोमेंटम जो है, यानी कि मोमेंटम को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है क्या है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यह है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, चलो आइए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्लियर करते हैं और ये हमारे जनरल लाइफ में कहां कहां यूज होता है, ये सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन, एक्शन क्या है, एक्शन एक्चुअली एक फोर्स है। ठीक है, ये क्या एक टाइप का फोर्स ही है, देयर इज ऑलवेज एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं, जैसे मान लो कि ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये मान लो अर्थ है। ठीक है, अर्थ का एक छोटा सा पार्ट का अगर डिस्कशन करेंगे तो प्लेन नजर आता है। ठीक है, वो प्लेन ही होता है। ठीक है, मान लो कि अर्थ पर मान लो एक एम द्रव्यमान का एक बॉडी रखा गया है, एम द्रव्यमान का मान लो एक बॉडी रखा हुआ है, तो ये बॉडी जो है ग्राउंड पे रखा हुआ है, दैट मीन्स क्या है, ये ना ही नीचे की ओर जा रहा है और ना ही ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है कोई भी बॉडी जो है अर्थ के सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग जानते हैं ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, एमजी होता है, जिसको हम लोग बोलते क्या है, बोलो वेट बोलते हैं, सबको पता होगा ये वाला, वेट बोलते हैं। वेट पता है, वेट क्या है, देखो किसी भी बॉडी के मास को अगर ड्यू टू एक्सलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ड्यू टू एक्सलरेशन मतलब ये क्या है, स्मॉल जी क्या है, एक्सलरेशन है। ठीक है, ड्यू टू अर्थ, ठीक है, ये एक्सलरेशन है ड्यू टू अर्थ के कारण, क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण इतना एक्सलरेशन होता है जो अर्थ के सेंटर की ओर हमेशा लगता है। ठीक है, अर्थ के सेंटर की ओर हमेशा लगता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के मास को अगर एक्सलरेशन से, मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही बॉडी का वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉडी का वेट कहलाता है, यानी कि इस बॉडी पर जो है नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे, एमजी फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमजी, एमजी क्या है, वेट है। अब देखो ध्यान से समझो, इस बॉडी जो है अर्थ के ग्राउंड के नीचे तो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर रुका हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्स है इस ग्राउंड के ऊपर की ओर भी क्या वो सेम फोर्स लग रहा है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोलो नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल
रिएक्शन, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्लियर। क्या बोला है, दिस लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन, मतलब इधर एक्शन फोर्स लग रहा है, इस बॉडी का एक्शन फोर्स ये है, और एक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यू वाला फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी ये दोनों फोर्स के आपस में बराबर है, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने बताया, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट मींस न्यूटन्स ने क्लियर किया कि ये जो है अगर कोई बॉडी अर्थ के ग्राउंड पर है तो क्या होगा, ये नीचे की ओर सेम फोर्स जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, ठीक है। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो, ऐसे लिख सकते हैं सीधे कि W इक्वल टू माइनस आर। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये दोनों फोर्स इक्वल है तो मैंने माइनस क्यों लगाया। देखो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ये क्या फोर्स है, दोनों क्या फोर्स है, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन को बताता है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू इच अदर, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, इसीलिए मैंने माइनस लगाया, ठीक है। तो माइनस कुछ नहीं है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, क्या बताता है बोलो, डायरेक्शन को बताता है। यानी कि क्या है बोलो, mz इक्वल टू माइनस आर, यही है क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ यूज होता है, मैं इसका जनरल लाइफ में आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। चलो तो याद रखना, सीधे ये फिगर बनाना और सीधे लिख देना W इक्वल टू माइनस आर, ठीक है। यानी कि बोलो W की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, mg, mg को क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, क्या बोलेंगे, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, और माइनस आर, क्लियर। यही जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वॉल पे एक गेंद को फेंको, ठीक है, गेंद को क्या करना है, थ्रो करना है, तो गेंद क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, रिटर्न दीवार से टकराकर वापस आ जाता है। ये होता क्या है, जितना फोर्स अगर गेंद को क्या करेंगे, वॉल पर फेंकेंगे, दैट मीन्स दीवार पर जितना ही फास्ट फेंकेंगे उतना ही स्पीड से सेम फोर्स क्या होता है, रिटर्न वापस आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक दीवार है, इस दीवार पे गेंद को अगर थ्रो किया जाए तो जितना फोर्स से इस दीवार पर क्या किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, उतना ही सेम फोर्स के साथ ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न वापस आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं बोलो, इसको बोलेंगे जो फोर्स दीवार पर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्शन फोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्शन फोर्स बोलेंगे। और जो दीवार से जो रिटर्न फोर्स वापस आ रहा है उतना ही फोर्स, दैट मीन याद रखना सेम फोर्स से वो वापस आएगा, इसी फोर्स को क्या बोलेंगे बोलो, इसी फोर्स को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो मैंने वही बोला, दिस लॉ स्टेट दैट एनी एक्शन फोर्स, ठीक है, एनी एक्शन फोर्स देयर इज ऑलवेज इक्वल, क्या होगा, इक्वल होगा एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, इसको अपोजिट रिएक्शन होगा, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एग्जांपल समझ में आया होगा। एक एग्जांपल मैं और बताता हूं, जैसे मान लो कोई भी, मान लो जो सोल्जर्स है यानी कि सैनिक है, वो क्या करता है, गन फायरिंग करता है, तो गन फायरिंग करता है तो जो बुलेट निकलता है, दैट मींस बंदूक का जो बुलेट निकलता है, ठीक है, जब गन को फायरिंग किया जाता है, ट्रिगर दबाया जाता है, तो क्या होता है, बंदूक पर जैसे ही फायरिंग होता है तो बंदूक जो है थोड़ा सा पीछे की ओर घिसक जाता है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। क्या होता है, एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखना कि कोई सिपाही द्वारा बंदूक चलाना, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरा, और देखो और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, दो मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है, एक ये हो गया और एक वॉल वाला, ठीक है। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो एरोप्लेन का उड़ना, एरोप्लेन का उड़ना भी क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूजिंग है। कैसे, देखो जब क्या करता है एरोप्लेन, मान लो कि बहुत हाई स्पीड से पहले चलता है, ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो क्या करेगा, एयर में फ्लाइंग करेगा, यानी कि जैसे जंप लगाता है उसके सरफेस पे, दैट मीन अर्थ के सरफेस पे एक फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को क्या करेगा, सेम फोर्स से क्या करेगा, यानी कि अपोजिट रिएक्शन होता है और क्या करता है, एरोप्लेन उड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल किसका, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, चौथा एग्जाम्पल जो होता है रॉकेट, रॉकेट को छोड़ा जाता है ना, सबको पता होगा, रॉकेट को छोड़ा जाता है अंतरिक्ष पर रिसर्च करने के लिए भेजा जाता है, तो ये भी जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। एक्चुअली क्या होता है, रॉकेट कुछ इस तरह होता है, सबको पता होगा क्या,
ऐसे कुछ होता है क्या? तो इसमें क्या होता है बोलो, ये क्या मिसाइल है? तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा गैस वगैरह, बहुत सारा फ्यूल वगैरह भरा रहता है इसमें, बहुत ज्यादा भरा रहता है ना। तो क्या करता है, गैस वगैरह जो निकलता है, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर, इसका मतलब गैस वगैरह प्रेशर वगैरह क्या करता है, यहाँ पे अर्थ पर क्या करता है, एक हाई प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर लगाया नीचे की ओर, इस फोर्स को बोलेंगे एक्शन फोर्स, और सेम फोर्स जितना फोर्स नीचे की ओर लगाया अर्थ के, अर्थ पर लगाया, उतना ही फोर्स क्या करेगा, अर्थ इस रॉकेट पर भी लगाएगा, यानी कि इस पर क्या होगा, रिएक्शन फोर्स ये होगा, बस समझे, उतना ही फोर्स सेम होगा। अब क्या होगा, रॉकेट उड़ जाएगा हाई स्पीड के साथ, ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ये क्या करेगा, आगे ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये भी रॉकेट का उड़ना भी जो क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो मैंने चार एग्जांपल बताया, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास नाइन्थ के लिए, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछता भी है, ठीक है ना, गुड। तो अब हम लोग कुछ बात करेंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्या पढ़ना है बोलो, अब पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या करना है बाबू बोलो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या, देख लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट को सीधे सिंपल वर्ड में हम लोग सीखना है, देखो क्या बोलेंगे, मान लो कोई दो बॉडी है, दो बॉडी अलग अलग वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, देखो सीधे में सिंपल वर्ड में समझाता हूं, मान लो यहां पे एक बॉडी है, इस बॉडी का मान लो इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, ठीक है, और दूसरा बॉडी है, इसका भी इनिशियल मान लो, इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ठीक है, इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी मान लो u2 है, क्या है, इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2, ठीक है। ये मान लो अपना अपना वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है, मान लो कुछ देर के बाद ये दोनों क्या होता है, आपस में कोलाइड कर जाता है, क्या कर जाता है बोलो, कोलाइड मतलब सबको पता होता है, टक्कर हो जाता है, क्या होता है, टक्कर होता है, इसका वेलोसिटी कितना था, जो भी था, ठीक है, इसका वेलोसिटी मान लो u1 है, जो भी है, चलो टक्कर हो गया, टक्कर होने के बाद क्या होगा, यहां पे क्या होगा, अब सबको पता है कि टक्कर होने के बाद क्या होता है, मान लो इस बॉडी पे अगर मैं इस बॉडी का नाम ए और इस बॉडी का नाम बी दे दूं, तो ये बॉडी इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाए, इस बॉडी पर कुछ ना कुछ क्या लगाएगा बोलो, फोर्स लगाएगा, और ये बॉडी भी क्या होगा, इसके कारण अपोजिट रिएक्शन में भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है, इसको F1 और इसको F2। अब देखो बॉडी ए जो है बी पर फोर्स लगाएगा तो बॉडी का स्पीड बढ़ जाएगा, बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यहां का स्पीड क्या होगा, यानी कि यहां का वेलोसिटी बढ़ेगा, बॉडी बी का वेलोसिटी बढ़ेगा, बॉडी बी का वेलोसिटी बढ़ेगा, बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये ए जो है बी को टक्कर मार रहा है तो बॉडी बी का वेलोसिटी बढ़ेगा, बॉडी बी का वेलोसिटी बढ़ गया, बॉडी ए का वेलोसिटी जब टक्कर मारेगा तो बॉडी ए का वेलोसिटी घट जाएगा, बोलो घटेगा कि नहीं, एकदम घटेगा, क्या बॉडी वेलोसिटी घटेगा, ठीक है, बॉडी ए का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब क्या होगा, घट जाने के बाद बोलो, जैसे ही बॉडी ए जो है बी को टक्कर मारेगा तो बॉडी ए बी जो है आगे बढ़ जाएगा, और बॉडी ए का वेलोसिटी घट जाएगा तो ये थोड़ा पीछे चला जाएगा, बोलो पीछे जाएगा। अब मान लो कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, v2 है, सॉरी इसका मान लो फाइनल वेलोसिटी v1 है और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है, बोलता है कि टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम, टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू द टक्कर के बाद का टोटल मोमेंटम को ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है बोलो, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलाइड, बोलो बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज, ठीक है, दो बॉडीज में बॉडीज लिख रहा हूं, ठीक है, आफ्टर कोलाइजन,
आफ्टर कोलाइजन, ठीक है, आफ्टर कोलाइजन, आफ्टर कोलाइजन, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आ गया होगा, गुड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम और टक्कर के बाद का टोटल मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं बोलो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। क्लियर? अब देखो टक्कर के पहले का मोमेंटम क्या होगा, देखो इस बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा बोलो? इस बॉडी का सपोज करो मास m1 है, इस बॉडी का मास क्या है m2 है। टक्कर के बाद बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा, इस बॉडी का मास m1 था, इस बॉडी का मास क्या है m2 था। क्लियर? इस बॉडी का मास क्या है m2 है। क्लियर? गुड। अब देखो ध्यान से, बॉडी ए का बोलो मोमेंटम क्या होगा? मैं पहले ही बताता हूं, मोमेंटम p इक्वल टू होता है mv, मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता बोलो? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्लियर? गुड। तो इस बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा बोलो? मास और इनटू वेलोसिटी, इस बॉडी का मास m1 है और इसका वेलोसिटी u1 है, ठीक है, इसका मोमेंटम हो गया। इस बॉडी का बोलो मोमेंटम क्या होगा? इस बॉडी का मोमेंटम हो m2 और वेलोसिटी u2। बात समझ में आया? चलो टक्कर का पहले हो गया, तो टक्कर के पहले का कुल मोमेंटम क्या होगा? प्लस, प्लस कर देंगे तो दोनों का टोटल मोमेंटम निकल गया। ये क्या निकला बोलो? टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलाइजन, ठीक है, टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम निकल गया, इज इक्वल टू ठीक है, टक्कर के बाद का टोटल मोमेंटम। तो इसका बोलो मोमेंटम क्या होगा? इसका मास m1 और फाइनल वेलोसिटी v1, ठीक है, और इसका बोलो इसका m2 और फाइनल वेलोसिटी क्या है v2। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे बोलो, इसी को क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या एक्सप्रेशन क्या निकल गया बोलो? सिंपल से वर्ड में लिख देता हूं, m1 into u1 plus m2 और into u2 equal to इसको बोलो m1 और into v1 plus इसको बोलो m2 और into v2, ठीक है। यही है एक्सप्रेशन किसका बोलो? कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं ये सही है, ठीक है। इसका डेरिवेशन निकालते हैं, इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? गुड, आ गया होगा, ठीक है, नहीं तो इसको स्किप करके देखिए या तो स्क्रीनशॉट कीजिए। याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसको बोलेंगे? कि टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम और टक्कर के बाद का टोटल मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं बोलो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। दैट्स क्लियर, गुड। अब हम लोग बात करते हैं इसके डेरिवेशन को, तो डेरिवेशन क्या करेंगे बोलो? फिर वैसे ही कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी का मास मान लो m1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v1 है, ठीक है। एक दूसरा बॉडी है, इस बॉडी का मास मान लो m2 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2 है, ठीक है। दोनों बॉडी जो है अपने अपने वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सपोज करो कि कुछ देर के बाद बॉडी का क्या हो गया? टक्कर हो गया। वही चीज मैं समझा रहा हूं, ठीक है। बॉडी का मान लो क्या हो गया? टक्कर हो गया। तो टक्कर हो गया तो बॉडी का मास क्या था? m1 था। बॉडी का मास क्या था? m2 था। मान लो कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी e1 और फाइनल वेलोसिटी v1 है, ठीक है। बॉडी का m2 बॉडी का क्या है? इनिशियल वेलोसिटी e1 और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v2 है, सपोज करो। गुड, अब देखो उसके बाद टक्कर के बाद क्या हुआ था बोलो? टक्कर के बाद क्या हुआ था? दोनों बॉडी अलग अलग हो गया था। मैंने जस्ट बताया इस बॉडी का मास m1 था, इस बॉडी का मास क्या था? m2 था, ठीक है। इसका फाइनल वेलोसिटी v1 है और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? v2 है, क्लियर। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट समझना क्या है। ये बॉडी जो है, इस बॉडी का मैंने नाम कुछ बताया था, इस बॉडी का नाम ए दिया था और इस बॉडी का नाम मान लो बी है, क्लियर। चलो अब देखो, बॉडी ए जो है बी पर क्या कर रहा था? टक्कर मार रहा था, गुड, क्योंकि ये पीछे से जा रहा था। तो बॉडी ए जो है बॉडी बी पर टक्कर मारेगा, तो टक्कर मारेगा तो क्या होगा? बॉडी बी का वेलोसिटी बढ़ेगा। बॉडी बी का वेलोसिटी बढ़कर क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी मान लो वी टू होगा। तो देखो इसके कारण इस पर बोले एक फोर्स लगेगा जिसको हम मैं नाम देता हूं ए बी, मतलब ए जो है बी पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। ए मार रहा है बी पर फोर्स, ठीक है। तो जितना फोर्स ए बी को मार रहा है, सेम टू सेम उतना ही फोर्स बी जो है
बी भी क्या करेगा, ए को मारेगा, जिसके कारण बी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, यानी उतना ही फोर्स क्या करेगा, बी भी ए को लगाएगा। तो इसको लिख देते हैं बी ए, इसका नाम क्या दे दिया हमें, बी ए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इधर से ये लगा रहा है एक्शन फोर्स, तो बॉडी बी इस पर लगा रहा है क्या, उसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। ये तो न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे फ्रॉम, बोलो फ्रॉम न्यूटन्स, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे इस केस में, इस केस में क्या होगा बोलो, फोर्स बी ए इज इक्वल टू माइनस लगा देंगे फोर्स ए बी, होगा ना, गुड, समझ में आ गया। इसमें वेक्टर है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर भी लगा सकते हैं। क्लियर, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए होता है, होता है कि नहीं बोलो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, मैंने बहुत बार पढ़ाया, सबसे पहला ही वीडियो में मैंने बताया था क्या, एफ इक्वल टू एम ए होता है इस चैप्टर का। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम ए होता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बोलो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है बोलो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पे इस बॉडी का मास क्या है बोलो, इस बॉडी का मास एम है ना, इस बॉडी का मास क्या है, देख लो यहां पे, तो ये क्या है बी ए, मतलब क्या हो रहा है, इस पर ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, चलो मैं निकालता हूं, बी ए मतलब बी जो है ए पर फोर्स लगा रहा है, बी क्या कर रहा है, ए पर फोर्स लगा रहा है, तो चलो निकालते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, बॉडी बी ए पर फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी बी का बात करेंगे, इसका बात करेंगे बॉडी बी का, तो बॉडी बी का बोलो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी वी टू है और इनिशियल वेलोसिटी यू वन है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इसका चेंज इन वेलोसिटी होगा वी टू माइनस यू वन, बॉडी बी का चेंज इन वेलोसिटी यही होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो, वी टू माइनस यू वन और अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, टाइम, यही होगा, क्या होगा बोलो, इसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन, यानी कि इतना फोर्स जो है बॉडी बी ए को लगा रहा है। क्लियर, इक्वल टू माइनस क्या है बोलो, इस बॉडी का मास क्या था, एम टू था, तो मैं यहां एम टू लिख दे रहा हूं। क्लियर, अब देखो यहां पे फोर्स, यहां पे क्या एफ ए बी है, मतलब ए जो है बी को फोर्स लगा रहा था। ठीक है, एफ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, इस बॉडी का मास क्या था, एम वन था, तो मैंने एम वन लिखा। क्लियर, मैंने एम वन लिखा। चलो किस बॉडी का बात कर रहा है, ए बी मतलब बॉडी ए का बात हो रहा है, बॉडी ए का चेंज इन वेलोसिटी क्या है बोलो, बॉडी का सॉरी मैं इसका वेलोसिटी वी टू है। ठीक है, इसको यहाँ पे वी टू हो जाएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, वी टू होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, थोड़ा बहुत होगा। चलो अब देखो एम वन, एम वन के लिए बोलो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी है वी वन और इनिशियल वेलोसिटी है माइनस वी वन, यही हो रहा है क्या, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे निकालो, लिखो यहाँ पे क्या लिखना बोलो, वी वन माइनस वी वन और अपॉन टाइम, यही हो रहा है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। गुड, समझ में आ रहा है, गुड। चलो अब क्या करें, कैलकुलेट करते हैं, देख सकते हैं कि दोनों तरफ के इक्वेशन में क्या करें, टाइम को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो टाइम को कैंसिल कर सकते हैं, अब क्या बच रहा है बोलो, अब कुछ नहीं बच रहा है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करो एम टू वी टू माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, एम टू यू टू इक्वल टू, इधर करो माइनस एम वन वी वन माइनस एम वन वी वन माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा बोलो, एम वन यू वन, एम वन यू वन। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो जो एम वन वाला टर्म है, देखो एक को इधर ले आते हैं, इसको इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे और इसको उधर ले जाते हैं। क्लियर, चलो तो देखो यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, एम वन वी वन हो जाएगा प्लस एम टू वी टू हो गया ना, गुड, इक्वल टू इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो बोलो वहां पे क्या है, एम वन यू वन है और प्लस क्या हो जाएगा बोलो, एम टू यू टू हो गया, एम टू यू टू हो गया, यही तो है बोलो, आया कि नहीं आया, यही तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये देखो ये जो टर्म है यू वन वाला टर्म, ये क्या है बोलो, क्या है ये वाला, ये वाला टर्म है टोटल मोमेंटम
बिफोर कोलाइजन, और ये क्या था टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, यानी कि दोनों का कोलाइजन का जो है दोनों कोलाइजन इक्वल है, यानी कि दो बॉडी के टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होता है इक्वल होता है, इसी को क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा, गुड, ये हो जाना चाहिए क्लियर, ठीक है। अब मैं एक बात बोलूंगा, क्या बोलूंगा बोलो, अब हम लोग निकालेंगे एक डेरिवेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है, बहुत खतरनाक तरीके से पूछता है। क्या है वो क्वेश्चन, सबके मन में होगा, क्या है क्वेश्चन बोलो, रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन, खतरनाक क्वेश्चन, कुछ समझ में ही नहीं आता ये, चलो मैं बताता हूं, ठीक है। रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन, कितनों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। चलो क्या निकालना बोलो, रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन, अब हमको गन के बारे में पढ़ना है, गन का जो रिक्वायर वेलोसिटी है उसी को क्या करना है निकालना है, किसके अनुसार हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक गन ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करूंगा एक गन, इसको आता है गन बनाने, चलो देखता हूं, ठीक है। एक मैं गन बनाऊंगा, गन ऐसे ही होता है कुछ, ठीक है, गन ऐसे होता है, गुड, आता है हमको, ठीक है। ये गन, बात समझ में आ रहा, ये गन, जब इस गन पे ट्रिगर दबाया जाता है तो क्या होता है बुलेट निकलता है, क्या निकलता है बुलेट निकलता है, क्या निकलता है बोलो, बुलेट निकलता है, ठीक है। तो बुलेट निकलता है, बुलेट क्या होता है छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा मतलब बोलेंगे बहुत ही छोटा मास वाला बॉडी होता है, ठीक है। चलो तो जैसे ही इसको क्या किया जाएगा, जैसे फायरिंग किया जाएगा तो बुलेट जितना फट से निकलेगा, ठीक है, वो बुलेट बहुत हाई स्पीड से, दैट मींस हाई वेलोसिटी से वो गन से निकलता है, तो क्या होता है बंदूक पीछे की ओर भाग जाता है, पीछे की ओर बंदूक क्या होता है थोड़ा सा पीछे की ओर भाग जाता है, जो बंदूक चलाता है उसी को पूछना पड़ेगा भागता है कि नहीं, एक्चुअली भागता है, ठीक है, पीछे की ओर हट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिक्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, रिक्वायर वेलोसिटी, सिंपल वर्ड में समझ लो, इसी को बोलते हैं रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। मतलब गन बोला है तो गन का ही बात होगा, गुड, तो जो पीछे की ओर भागता है उसी को क्या बोलते हैं रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन। और ये किसके अनुसार काम करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बराबर, एक्शन फोर्स के अपोजिट रिएक्शन काम करता है, ठीक है, एक्शन फोर्स ऐसे तो रिएक्शन फोर्स ऐसे होगा, यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। तो उसी को क्या निकालना बोलो, न्यूटन, तो अब निकालना इसको, ठीक है। अब देखो देखते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं, चलो सबसे पहले मानेंगे कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है मास ऑफ गन, क्या है बोलो, मास ऑफ गन, ठीक है। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, क्या है बोलो, मास ऑफ बुलेट, दो चीज समझ में आया, गुड। अब बोलो, मान लो V1 जो है तो V1 को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्या बोलेंगे बोलो, बुलेट, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, समझ में आ रहा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। V2 को क्या बोलेंगे बोलो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बोले, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ गन बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ गन, और वेलोसिटी ऑफ गन को ही क्या बोलते हैं बोलो, रिक्वायर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं बोलो, रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन। अब ये किसके अनुसार हमको निकालना है बोलो, मैंने पहले बताया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, ठीक है। मान लो जब फायरिंग नहीं किया जाता है, इतना पहले नोट कर लो बेटर रहेगा, ठीक है। सपोज करो जब फायरिंग नहीं किया जाता है, मतलब गन से कोई बुलेट बाहर नहीं निकला, तो इसका मतलब क्या होता है, उस पर कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि वेलोसिटी जीरो है। तो मैं बोलूंगा क्या कि टोटल मोमेंटम, ठीक है, बिफोर फायरिंग, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ठीक है। चलो तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, चलो तो मैं टोटल मोमेंटम निकालता हूं, तो क्या होगा टोटल मोमेंटम, देखो
एम क्या है, मास ऑफ गन है, तो मास को मल्टीप्लाई किए, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, और वी टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन है, तो इसको लिखिए यहाँ वी टू हो जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी हो गया, प्लस ये हो गया मोमेंटम गन का, बुलेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, बुलेट का मास स्मॉल एम है, ठीक है, बुलेट का मास क्या है, स्मॉल एम है, बुलेट का वेलोसिटी क्या है, अच्छा बुलेट का वेलोसिटी वी वन माने है ना, तो यहाँ पे मैं वी टू कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा वी वन कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग मतलब जब फायरिंग नहीं किया जाता, तो जब फायरिंग नहीं किया जाता है यानी कि गन भी रुका हुआ है, बुलेट भी बाहर नहीं जा रहा है, बहुत खराब है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे वेलोसिटी जीरो है, तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि तब उसका मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है, यानी समझ में, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायरिंग के पहले का टोटल मोमेंटम जीरो, क्लियर। चलो अब मैं निकालूंगा क्या, ठीक है, यहाँ पे मैं निकालता हूँ टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, मैं यहाँ निकालूंगा टोटल मोमेंटम आफ्टर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग के बाद क्या होगा, क्या होगा बोलो, आफ्टर फायरिंग के बाद गोली जो निकलेगा खचाक से आगे बढ़ेगा, गोली निकल के क्या होगा, खचाक से आगे बढ़ेगा, बंदूक पीछे की ओर भाग जाएगी, बात समझ में, यानी कि दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा, बात समझ में आ रहा। चलो तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बोलो, मास ऑफ गन है तो मास ऑफ गन को कैपिटल एम, मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ इसको वेलोसिटी ऑफ गन कितना है बोलो, वी टू, तो इतना होगा, यानी कि गन का मोमेंटम इतना, बुलेट का मोमेंटम कितना हो जाएगा, बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, वी वन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, वी वन है, यानी कि आफ्टर फायरिंग, यानी कि बुलेट को फायरिंग के बाद इतना मोमेंटम होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा, बात समझ में आया। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे, क्यों, क्योंकि क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलेगा क्या, बोलेगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो चलो तो आफ्टर फायरिंग में टोटल मोमेंटम जीरो है, आफ्टर मोमेंटम क्या है बोलो, आफ्टर मोमेंटम में क्या है, जीरो है, बाद में क्या हो रहा है, मोमेंटम एम वी टू प्लस एम वी वन हो रहा है, क्लियर, गुड, इतना है आफ्टर फायरिंग के बाद बॉडी का मोमेंटम इतना है, क्लियर, गुड। वी टू को क्या बोलते हैं बोलो, वी टू को ही तो बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, याद आ रहा है कुछ, मैंने अभी लिखा था, मिटा दिया, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन निकाल लो, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन निकाल लो, ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा देखते हैं, चलो इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एम है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, तो क्या करेंगे बोलो, कैपिटल एम और वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस स्मॉल एम और इंटू वी वन, पास समझ में आ गया, गुड, तो वी टू निकालो तो वी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस स्मॉल एम इंटू वी वन अपॉन कैपिटल एम, ठीक है, यही है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन से डायरेक्शन को बताता है कि जब फायरिंग इस डायरेक्शन में किया जाएगा तो गन जो है इसके अपोजिट रिएक्शन में पीछे की ओर भागेगा, जिसको हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन बोलते हैं। तो नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ बुलेट एंड गन, ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स को बताएगा, फोर्स को क्या बताएगा कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो पीछे की ओर भागेगा, ठीक है, बुलेट के फायरिंग के पीछे की ओर भागेगा, वही बताएगा नेगेटिव साइन, ठीक है, तो नेगेटिव साइन का मतलब वही है, सिर्फ डायरेक्शन को बताना और कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे और छोटा मोटा टॉपिक पढ़ेंगे, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अब कुछ नहीं है, सबका वैल्यू दिया रहेगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा और बहुत सारा न्यूमेरिकल। अब मैं एक छोटा सा टर्म के बारे में डिस्कशन करता हूं जिसको बोलते हैं इंपल्स, क्या बोलते हैं इंपल्स, इंपल्स क्या है, इंपल्स को बोलते हैं आवेग, क्या बोलेंगे बाबू बोलो, आवेग, आवेग है, आवेश नहीं, आवेग, आवेग,
तो इम्पल्स क्या होता है? देखो इम्पल्स एक टाइप का थोड़ा सा बोलेंगे तो एक फोर्स है। फोर्स कैसे है? फोर्स है एक छोटे से टाइम इंटरवल में लगने वाला फोर्स को इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स क्या है? तो इम्पल्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इम्पल्स आई इक्वल होता है फोर्स और इंटू शॉर्ट टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं बोलो? शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है, जिसको डेल्टा टी से मैं लिखा। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी वेरी स्मॉल टाइम है। क्या है बोलो? वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, एक छोटा सा टाइम है। तो मान लो छोटे से टाइम में जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, उसी फोर्स को बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। चलो तो छोटे से टाइम इंटरवल में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं बोलो? इंपल्स बोलते हैं। तो इंपल्स का अगर हम लोग यूनिट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा बोलो? इसका मतलब है फोर्स और इनटू टाइम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है, सीधे लिख लेना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? न्यूटन, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, ये क्या लिख रहा बोलो? इज द यूनिट ऑफ इंपल्स, ठीक है। छोटा सा दो नंबर में पूछता है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि कोई फील्डर है, क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो क्रिकेट में कोई फील्डर होता है, तो फील्डर क्या करता है, जैसे कि कोई बैट्समैन जैसे किक करता है तो बहुत ही हाई मोमेंटम, बहुत बोलेंगे बहुत ज्यादा हाई मोमेंट से क्या होता है, बॉल भागता है ग्राउंड पर। और जब फील्डर कैच करता है तो सपोज करो कि हाथ को देखते होंगे आप लोग, हाथ को पीछे की ओर खींचता है। पीछे की ओर खींचता क्यों है? खींचता है जो उसका जो कैच का जो फोर्स होगा उस फोर्स को कम करने के लिए, ठीक है। यानी कि जितना वेलोसिटी है उस गेंद के पास, उस गेंद को रोकने के लिए क्या करता है? पीछे की ओर खींचता है ताकि क्या होता है, चोट कम लगता है। तो ये जो है मोमेंटम का कारण होता है। यदि सपोज करो कि गेंद बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ आ रहा है, अगर हम क्या करेंगे, हाथ को पीछे की ओर नहीं खींचेंगे, दैट मींस पीछे की ओर खींचना मतलब क्या, जो गेंद आ रहा है जिस वेलोसिटी से गेंद आ रहा है उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा और गेंद को हम टाइम दे रहे हैं रेस्ट में आने के लिए। अगर सपोज करो कि उसको टाइम ना दिया जाए तो जितना मोमेंटम से आएगा और हाथ से जैसे टच करेगा तो चोट लग सकता है। क्या लग सकता है बोलो? चोट लग सकता है और हाथ पूरा इंजर्ड हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, प्रॉब्लम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे, वही गेंद अगर हाई वेलोसिटी के साथ आ रहा है और उसको कैच करते समय सपोज करो कि हाथ को पीछे की ओर जितना देर तक खींचेंगे क्या होगा, तो हाथ पे कोई भी फ्रैक्चर नहीं होगा, इंजर्ड नहीं होगा, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैच को पकड़ सकते हैं। तो वही है जो शॉर्ट टाइम इंटरवल था, उस शॉर्ट टाइम इंटरवल को लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम जितना मोमेंटम से आएगा तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा, और टाइम मिलेगा तो क्या होगा, बॉडी रेस्ट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, और बॉडी जब रेस्ट पे आ जाएगा तो क्या होगा, आसानी से कैच हम लोग कर सकते हैं बॉल को, और हाथ पर कोई भी जो है क्या होगा, हाथ इंजर्ड नहीं होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा, और क्या होगा, आसानी से हम लोग कैच को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज इतना सारा चीज डिस्कशन किया हूं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और थोड़ा बहुत इस चैप्टर दैट मींस फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा, और पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।